फिरोजपुर शहर की गोविंद नगरी में अपनी साइकिल पर जा रही 7 वर्ष की छोटी बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की गई, लेकिन बच्चे की शोर मचाने पर आरोपी अपनी स्कूटी लेकर मौके से फरार हो गए। किडनैपिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपी को पकड़कर मामला दर्ज कर लिया है। छोटी बच्ची की मां ने बताया, उसने अपनी बेटी को किसी काम के लिए साइकिल पर भेजा था, लेकिन आरोपी पिछले 3 दिन से बेटी का अपहरण करने की कोशिश कर रहा था। आज फिर इसने उसकी बेटी का अपहरण करने की कोशिश की, मगर बेटी द्वारा शोर मचाने के बाद आरोपी वहां से भाग गया। हां जी, की नाम की ताडा? निधि। की आज दा मामला जेड़ा की मामला सी? मैं ना गुड़िया नु कमीज कर दिया, तरपाई कमीज लेके भेजा सीगा देन वास्ते, ते 3 दिन हो गए पीछे लगा से, आज चक्कन लगा से गुड़िया नु। दोपहर दी गल है जी, 2:30 बजे दी गल है। गुड़िया आ रही सी साइकिल ते, ते इस मुंडे ने फड़िया, कोशिश कीती चक्कन दी जी। उदू बाद जी ये मैनु फोन आया सीगा घरों भी आ गलबात हुई है, तो फिर मैं ना दफ्तर चो गया थाने, FIR करा के आया, टैप करवा के दे के आया। फिर उदू बाद जी मैं दफ्तर चो आपके घरे आया, फिर इत्थे पुलिस वाले आए। सर, एक मामला सामने आया सी फिरोजपुर शहर के इलाके विच, एक लड़की नू किसी ने अगवा करने की कोशिश की सी। सर, ये पूरा की मामला है और पुलिस वालों जी हुण तक की कार्रवाई की गई? राकेश कुमार पुत्र जनक राम जी आए थे, जिन्हों की बेटी सी 7 साल की, गली के साइकिल चलाई सी, उत्थे एक व्यक्ति किडनैप करने की कोशिश कर लग्या, तो वह थाने आ गए। जो अपने को परचा दर्ज करके 57 नंबर FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, जिहड़ा लड़की किडनैप कर लग्या सीगा प्रियंका नूं, उह सीगा संदीप धवन पुत्र मदन लाल वासी टैंकली बस्ती, जिन्हों गिरफ्तार कर लिया। सर, पता लगा भी जिहड़ा हैगा भी अगे भी इसी तरीके कोई काम करदे सी बच्चों चुकन वाला के किवें? नहीं, अजे इहो जी कोई गल सामने नहीं।